नमस्कार, झरहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, 25 मार्च से हिंदू नव वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। इसका महत्व और इतिहास क्या है, इसको हम विक्रम संवत्सर के नाम से जानते हैं। 25 मार्च से हिंदू नव वर्ष 2077 की शुरुआत होगी। आधिकारिक रूप से इसे विक्रम संवत 2077 कहा जाएगा। आम भाषा में इसे हिंदू पंचांग के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। प्रतिवर्ष विक्रम संवत का नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही की थी। आइए जानते हैं विक्रम संवत वैज्ञानिक आधार पर इसका इतिहास क्या है। विक्रम संवत का धार्मिक महत्व, वैदिक शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा जी ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को इस संसार को रचा गया था। इसीलिए इस पावन तिथि को नव संवत्सर पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि व्रत भी इसी तिथि से प्रारंभ होता है। विक्रम संवत है पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। विक्रम संवत सबसे अधिक प्रासंगिक और सार्वभौमिक और वैज्ञानिक कैलेंडर है। यह सौर्य और चंद्रमा की गणना पर आधारित है। हिंदू पंचांग की गणना के आधार पर यह हजारों साल पहले बता दिया था कि अमुक दिन अमुक समय पर सूर्य ग्रहण होगा। युगों बाद भी यह गणना सही और सटीक साबित होती है। आइए जानते हैं, भारत में 12 हिंदू माह के नाम इस प्रकार से हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। पक्ष एक माह में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं, जहां शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं। 15 तिथियों के नाम इस प्रकार से हैं: प्रतिपदा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और उसके बाद अमावस्या या फिर पूर्णिमा। 6 ऋतुओं के नाम: हिंदू वर्ष के मुताबिक भारत में एक वर्ष के अंतर्गत 6 ऋतुएं आती हैं। यह 6 ऋतुएं इस प्रकार से है: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। सूर्यदेव चैत्र शुक्ल पक्ष के जिस दिन वार के विक्रम संवत शुरू होता है, वही संवत का राजा होता है। सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है तो वह संवत का मंत्री होता है। विक्रम संवत समस्त संस्कारों, पर्वों एवं त्योहारों की रीढ़ माना जाता है। समस्त शुभ कार्य इसी पंचांग की तिथि से ही किए जाते हैं। यहाँ तक कि वित्तीय वर्ष भी हिंदू नववर्ष से प्रारंभ होता है और समाप्त भी इसी के साथ होता है। तो आज हमने जाना कि विक्रम संवत 2077 यानी 25 मार्च से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद इसका क्या महत्व है, इसका क्या धार्मिक महत्व है, क्या वैज्ञानिक महत्व है, और हमारे देश में कितने हिंदू माह होते हैं, कितनी तिथियां होती हैं, कितने पक्ष होते हैं, इसके बारे में भी हमने जाना, किस प्रकार से ऋतुएं होती हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।